हम वचन सुनेंगे इब्रानियों 2 अध्याय। इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह है कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिससे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इस अध्याय को हम देख रहे हैं, ये यहूदी लोगों के लिए लिखा हुआ पत्री है। यहूदी लोग, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए थे, उन लोगों के लिए उस समय बहुत परीक्षा कष्ट आया था। तब देखिए, उन लोगों के इस मार्ग को हम छोड़ के जाएं क्या, विश्वास के छोड़ दें क्या, ऐसे बहुत उसके लिए दबाव, ऐसे संकट परिस्थिति आए थे। तब उन लोगों के लिए ये पत्री लिखा है करके बता रहा है। तब इस पत्री को पौलुस ने लिखा है करके बता रहे है। कोई लोग बोल रहे हैं उन्होंने नहीं लिखा है करके, लेकिन जो भी लिखा है, हमारे लिए आज पवित्र आत्मा हमारे हाथों में दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। यीशु मसीह आज हमारे लिए कितना बड़ा महान कार्य किया है करके, हम विशेष इस अध्याय में से हम देखने वाले हैं। इब्रानियों 1 से 10 तक हम अध्याय को हम देखेंगे, तो उसमें से लिखा है, क्योंकि यहूदी लोग, हम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था दिया गया था, मूसा, यहोशुआ, याजक, ये सब उन लोगों के लिए सब जानते थे। तब उसके द्वारा देखिए, हम यहाँ हम देख रहे हैं, तुलना किया है जैसा स्वर्गीय दूतों से यीशु कैसे श्रेष्ठ है करके तुलना किया है, वैसे हम देख रहे हैं मूसा से यीशु मसीह श्रेष्ठ है करके तुलना किया है, यहोशुआ से यीशु मसीह ने श्रेष्ठ है करके यहाँ बताया है, मगा याजक से बड़ा है हमारा मगा याजक यीशु है, उनसे भी वो श्रेष्ठ है। कितने बड़ा श्रेष्ठ नाम उनके लिए दिया गया है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आज देखिए, दुनिया में लोग
ये उद्धार को पाने के लिए कितने मार्ग में लोग खोज रहे, क्या करूं कैसे हम पाऊं करके लोग तड़प रहे, लेकिन एक ही मात्रा, एक ही मार्ग है, वो यीशु है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जो लोग यीशु के पास आएंगे उनके द्वारा ही हम पिता के पास हम जा सकते हैं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा पाएंगे करके यीशु ने योहन्ना 14 में कहा है। वैसे आज हम भी यीशु मसीह को, जो लोग विश्वास करते हैं, उन लोग ये उद्धार के मार्ग को जान लेते हैं। आज इस मगान उद्धार के बारे में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, दूर चले जाते हैं, उसको इतना महत्व स्थान लोग नहीं दे पा रहे हैं। शैतान लोगों को भटका रहा है, रास्ता ऐसे इधर जाओ उधर जाओ करके लोगों को भरमाता है, लेकिन उद्धार के मार्ग यीशु है। यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ है, खोए हुए को ढूंढने के लिए। जो सड़ा हुआ हमारा जीवन, ऐसे सड़ा हुआ अवस्था में था, इंसान के लिए परमेश्वर ने कितना महिमा आदर दिया था, सारे पृथ्वी के सारे चीजों के ऊपर उसको राज्य करने के लिए अधिकार परमेश्वर ने दिया था, वो सब खो गया है। बात मानने बाहर सब चीजों को आदम ने पाप कर दिया, सारे दुनिया के अंदर पाप प्रवेश हो चुका है। पाप के द्वारा दुनिया के अंदर मृत्यु भी, पाप का दंड, पाप का मजदूरी मृत्यु है करके वचन में लिखा है। इसलिए आज दुनिया पूरा ये मृत्यु का डर से, ये पाप का बंधन से आज तड़प रहा है। तब इसमें से हमें कौन छुड़ाएगा, हम कैसे इसमें से छुटकारा पाएंगे करके लोग ऐसे आज भी इस मार्ग को लोग नहीं समझ रहे हैं। यीशु ही मार्ग है, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवन दाता है, हमें छुड़ाने के लिए वो आया है करके लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पुराना नियम में स्वर्गीय दूत लोगों को ऐसे ही संदेश देने का काम उनके था, लोगों के लिए वो युद्ध में मदद करते थे, संदेश पहुंचा देते थे, ऐसे काम उन लोग करते थे। यहूदी लोगों को ये सब पता है। देखिए स्वर्गीय दूत भी पाप करते गिर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाया, इब्राहिम का संदान के लिए अपने हाथ बढ़ाया, उनको गिरा हुआ अवस्था से उठाया, मृत्यु का बंधन से छुड़ाया। जो खोया है उस महिमा को वापस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। आज हम यही वचन को आज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे दूसरा वचन में हम देख सकते हैं स्वर्गीय दूतों के द्वारा दिया गया वचन करके लिखा है। पुराना नियम में व्यवस्था स्वर्गीय दूतों के द्वारा ही मूसा के हाथ में दिया गया है करके हम कलातियों 3:19 में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों को काम 7 अध्याय में 38:53 में हम पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे काम स्वर्गीय दूतों को दिया गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, अपने उनके साथ जो भी चेले लोग थे उन लोग भी साथ रह कर देखा, बातों को सुना, उन लोग ने निश्चय किया, फिर उसके साथ अद्भुत सामर्थ, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। ये सब देखिए प्रेरितों का काम में हम देख रहे हैं, ये सब चीज परमेश्वर ने दिया है। इतना बड़ा महान उदार का मार्ग हमारे लिए खोला है पिता परमेश्वर ने, यीशु का द्वारा ही वो खोला है। बंद हो गया था, पिता परमेश्वर ने आदम को बनाया रिश्ता रखने के लिए, कितने अच्छे से आकाश पृथ्वी सारे चीजों बनाया, उनके हाथों में सारे अधिकार चाबी दिया, तुम सबके ऊपर राज्य करो, तुम सब तुम्हारे वश में मैं देता हूं करके परमेश्वर ने सब उसके वश में दिया था। लेकिन इन्होंने उनके विरोध में पाप किया, सारे चीजों को, सारे महिमा को, अधिकार को
खो गया सब। अभी परमेश्वर के साथ साथ रहता था, कितने आनंद और कितने पृथ्वी आशीष से भरा हुआ था। वहां देखिए आनंद आनंद ही था, वहां दुख नहीं था, वहां बीमारी नहीं था, वहां मृत्यु नहीं था। लेकिन जिस दिन पाप प्रवेश हुआ, तब परमेश्वर इंसान के अंदर एक दरार हो गया, रिश्ता टूट गया, ऐसा पूरा दूर हो गया। तब देखिए पृथ्वी पूरा श्राप से, काटा से भर गया, दुख बीमारी आ गया। आज हम देख रहे गिरा हुआ है दुनिया के अंदर कितने बीमारी, कितने अलग अलग टाइप का कैसे कैसे बीमारी आज पृथ्वी में है। ये सब पाप के द्वारा, शैतान के द्वारा पृथ्वी के अंदर प्रवेश हो चुका है। लेकिन ये सारे बातों में से हमें छुड़ाने के लिए यीशु आया, अपना महिमा छोड़कर वो गुलाम गुलामी जैसा यहाँ आया है करके फिलिपियों का 2 में हम देख रहे हैं, 4-5 में हम देख सकते हैं। कितने अच्छा से वहां रहता था अपने पिता के समुग में, लेकिन जो आदम ने बात नहीं माना उनके द्वारा पाप प्रवेश हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने पूरा जैसा क्रूस पर मरने तक पूरा बात माना, आदिन रहा, परमेश्वर के आदिन रहा, नम्रता से रहा, परमेश्वर के सामने सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर ने दिया है। आज जो भी ये नाम को लेते हैं, आज उन लोगों के लिए छुटकारा, जीवन, उद्धार मिलता है। वो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। दूसरा दुनिया में कोई भी हमें उद्धार नहीं कर सकता है, हमें छुड़ा नहीं सकता है। स्वर्गीय दूत भी पाप करते हुए गिर गया, इंसान भी पाप करते गिर गया। लेकिन परमेश्वर ने देखिए इब्राहिम का संदान को अपना हाथ बढ़ाया करके लिखा है, स्वर्गीय दूतों के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन इब्राहिम का संदान उसका मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। जो जो इब्राहिम संदान मतलब यहूदी लोग भी थे, लेकिन जो भी लोग आज यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, वो सब हम उनका बेटा बेटी बन जाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास का पिता करके, विश्वासियों का पिता करके इब्राहिम को बताया गया है। जैसा हम लूका 19 में भी हम देख रहे हैं, लूका 19 का 9 में हम देख रहे हैं, जक्के का घर पे यीशु ने इस तरह से कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है करके। वहां से देखिए, वैसे जो भी लोग विश्वास करते हैं, उन लोग अब्राहम का पुत्र बन जाते हैं। उन लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पिता ने अपने हाथ बढ़ाया, स्वर्गीय दूतों के लिए वो हाथ नहीं बढ़ाया है। परमेश्वर का अनुग्रह को हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने यहाँ बताया है 5वां वचन में, आने वाला दुनिया को भी स्वर्गीय दूत में आदिन में नहीं दिया है करके लिखा है। आने वाला दुनिया मतलब अभी 1000 सालों का राज्य, यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी पे होगा करके हम देख रहे हैं। उसी को बताया, वो भी स्वर्गीय दूतों का आदिन में नहीं दिया गया है। देखिए परमेश्वर इंसान के ऊपर कितने प्रेम किया, हम के देखिए हम दुनिया के ऊपर कितना प्रेम किया, हमारा हरेक को ये गिरा हुआ अवस्था से उठाने के लिए, स्वर्गीय स्थानों पर हमें बिठाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को वो दिया है। वो पृथ्वी में आया है, गुलामी बनकर आया है, अपना महिमा छोड़कर ये पृथ्वी पर आया है। भजन संगीता 8 का भी यहाँ बताया गया है, भजन संगीता 8:4 में से जो वचन बताया है, वो वचन यहाँ भी 6:7-8 में लिखा है, जो स्वर्गीय दूतों से छोटा बनाया है, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्गीय दूतों से बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा महान यीशु ये इंसान को छुड़ाने के लिए स्वर्गीय दूत से भी छोटा बनकर आया है, आकर कितने हमारे समान वो भी कष्ट सहा। ये पाप के द्वारा दुनिया में क्या क्या दरिद्रता, कष्ट, क्लेश, उपद्रव, मृत्यु, सब को वो अपने जीवन में कि इसी रास्ता पर गया, सब के ऊपर
सही पाया, आग का जैसा, आग जैसा ये दुनिया में, आग जैसा, कीचड़ जैसा, ऐसे समस्या रहता था, लेकिन इसी रास्ता पर गया यीशु मसीह, अपने इंसान बनकर लघु और मांस इसी शरीर में आया है करके लिखा है, इसी शरीर में आया है। कोई भी ये नहीं बोल सकता है वो तो परमेश्वर था करके, यहाँ पृथ्वी में रहा, 100% वो इंसान भी था, 100% वो परमेश्वर भी था। वो इंसान जैसे ही सारे बातों में, सारे ऐसे ही रास्ता में वो गुजरा, सारे कष्ट के ऊपर, परेशानी के ऊपर, परीक्षा के ऊपर जय पाया। आज वो जय को आज हमारे लिए भी वो दिया परमेश्वर ने। हम देख रहे हैं जो भी खोया है इंसान ने, उसको वापस उसका मृत्यु के द्वारा हमें दिया है। आज खोया हुआ महिमा को, अधिकार को यीशु मसीह के द्वारा आज हम पाए हैं। आदम ने खोया, यीशु मसीह ने हमें वापस दिया। आदम ने वो एक रिश्ता, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, उस रिश्ता से वो टूट गया था, लेकिन परमेश्वर ने वापस हमें वो रिश्ता के साथ जोड़ दिया। परमेश्वर ने पिता के साथ वो अनुग्रह का सिंहासन आज हमें है, वो महायाजक बनकर आज हमें पिता के पास, उसके नजदीक में हमें पहुंचा दिया। आज हमें पवित्र लहू बगाया, वो लहू के द्वारा आज हमें हिम्मत मिलती है। आज हम सिंहासन के पास, पिता के पास आज हम एक रिश्ता में, हमारे भाई जैसा लिखा है, हमारे भाइयों के साथ करके, हमारा भाई यीशु मसीह हमारे भाई के समान है, हमारा पिता के समान है। मेरे बच्चे लोग, पिता ने मुझे दिया, बच्चे लोगों के साथ करके लिखा है, हमारे लिए एक अच्छा परिवार ने परमेश्वर ने दिया है। आज हम स्वर्गीय परिवार में, स्वर्गीय वारिस हमें बनाया, हमें आदर दिया पृथ्वी के ऊपर, हमें एक अधिकार, जो खोया हुआ महिमा को यीशु मसीह के द्वारा हम वापस पाते हैं, आनंद को देता है। उद्धार पाने से हमको एक आनंद, एक खुशी हमें मिलती है, वो शांति मिलती है। ये सब यीशु मसीह ने हमें दिया है, मार्ग खोल दिया है, जो बंद था सांप थाड़ा तोड़ दिया है, मृत्यु का उसको चख कर, मृत्यु का स्वाद को चख कर देखा, शैतान को निकम्मा कर दिया, हमारा पापों के लिए प्रायश्चित बना, हमारे उद्धार को स्थापित किया, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध बना करके लिखा है। हमारा यीशु मसीह हमारा कैप्टन है, वही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा वही है, वही हमारा विश्वास को शुरू करता है, वो अंत भी वही है करके लिखा है। अपने आप को खाली किया, अपने आप को गुलामी बनकर यहाँ आया, हमें उसमें से छुड़ाने के लिए, दरिद्रता से छुड़ाने के लिए, क्रूस के द्वारा ही हमें विजय दिया है, मृत्यु के ऊपर वो जय पाया है, मृत्यु का अधिकारी शैतान को मृत्यु के द्वारा ही कुचल दिया है, उसका सिर को कुचल दिया है। यीशु मसीह आज हमारे लिए जय जयकार का ध्वनि सुनाया है, शैतान को सारे अधिकार का वो सब छीन लिया है। आज देखिए हमारा मगा याजक यीशु मसीह है हमारे लिए, हमारे लिए वो कष्ट सगा। इसलिए आज कोई भी हम दुनिया में देख रहे, आप कितने भी उपद्रव क्लेश में, क्लेश के रास्ता में आप जाएंगे तो लोग बस बोल सकते हैं, हाँ मैं समझता हूँ, ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं पाएंगे आपका दुख को। आज कितने लोग दुख, डर, मृत्यु का डर से लोग रहते हैं, इंसान की तरफ से हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो उस कष्ट के सा, उसके कष्ट के अंदर, वो आग का पट्टी के अंदर जो भी लोग जाते, उनको ही पता है उसका गर्म कितना है, उसका सामर्थ्य कितना है करके। वैसे ही अधोलोक का पाटक का वो डर, मृत्यु का डर कितना है करके, उसके उसी रास्ता में गुजरने वाला कोई पता है। हमारा यीशु मसीह आज सारे कष्ट हमारे लिए वो सगा, दुख सहा, दरिद्रता, ये सब में समय छुड़ाने के लिए वो दरिद्र बन के आया, उसका महिमा का धन से हमें आशीष किया, हमें स्वर्ग। आज कितने लोग प्रेम के बिना तड़प रहे,
पाप के बंधन, मृत्यु का डर लोगों के अंदर कितना घबरावट को लेके आता है। जीवन बोलने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आज हमारे लिए जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। सिद्ध होने के लिए हमें वो कितने उपद्रव, क्लेश वो सहा, संकट के मार्ग में वो भी आया। लेकिन देखिए पाप का कितने लोग आज आप बोल सकते हो, कितने ये परीक्षा में मैं जा रहा हूं, इसमें से मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन ये दुख, मेरा दुख को उठाएगा करके लोग सोच रहे हैं। बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ जाओ करके यीशु ने बुलाया। आज आप लोग विश्वास कीजिए, यीशु हमारा उद्धार करता है। आप हमारा समान, वो भी परीक्षाओं में गया, लेकिन परीक्षा के ऊपर वो जय पाया, इसलिए आज वो हमें हिम्मत मिलती है वचनों के द्वारा। आज जो भी लोग विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का छाप लगाया जाता है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर वो निवास करता है, आज नए सृष्टि बन जाते हैं। तब हम स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आज है। देखिए परमेश्वर ने हमारा सारे, यीशु मसीह हमारे सारे पापों को वो अपने ऊपर ले लिया। वो पाप नहीं किया, दंड की आज्ञा हमारे ऊपर आने वाला था, सब यीशु मसीह ने सारे जगत का पापों को मेमना बनकर आया, अपने ऊपर ले लिया है, हमारे लिए वो प्रायश्चित हुआ। इसलिए यीशु मसीह हमारे ऊपर कितने प्रेम किया है। पिता को आदिन रहा, आदम ने पाप किया, यीशु मसीह ने जो खोया हुआ महिमा को, रिश्ता को, अधिकार को, जीवन को वो हमें वापस दिया है। हर दिन अभी हमें सहायक है, हमें मदद करता है, हमारे लिए वो हाथ बढ़ाता है। आज कोई भी नहीं बोल सकते हैं मेरे लिए कुछ मार्ग नहीं है, मेरे लिए कुछ उपाय नहीं है करके। यीशु हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन दाता वही है। सारे परीक्षाओं में से हमें छुड़ाने का सामर्थ्य उनके पास है, क्योंकि वो हमें समझता है, हमें केवल जानता है ऐसा नहीं। हमारा दुख को, आपका हृदय को, हर एक वेदना क्या है, आपका तड़प क्या है, आपका परीक्षा क्या है करके वो ही जानता है। इंसान लोग देखिए आप बोलेंगे तो उसके उस समय आपके सामने हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन पीछे जाके आपके द्वारा आपके बारे में वो लोग हंसी मजाक करेंगे, आपका दुखों को वो लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो हमारे ऊपर कितने प्रेम करता है, वो सारे दुखों को, आपका रोना को, आपका डर को वो जानते हैं। इसलिए आज आपका बोझ को यीशु के ऊपर डालिए। वो कितना श्रेष्ठ नाम, यीशु कितना बड़ा है, वो किस श्रेष्ठ नाम उनके लिए पिता ने दिया है स्वर्गीय दूतों से, वो श्रेष्ठ है। आज इसको हम समझना है, जानना है, आज इसको हम विश्वास करना चाहिए। आज आप गहराई में, आज आप सुनने वाला आप आज होंगे, मैं इस दिशा में जा रही हूँ, परीक्षा में छुड़ाने वाला नहीं है क्या, यीशु है, यीशु आपका सहायक है, आप डरना नहीं है, उसका धार्मिकता से आपको स्थिर करेगा, मृत्यु का डर से आपको छुड़ाएगा, आपका जीवन भर उनके भलाई, उनके अनुग्रह आपका पीछे आएगा। आप यहोवा का घर में हमेशा मैं स्थिर रहता हूं करके दाऊद ने ये गीत गाया। आज देखिए हम उनके घर में स्थिर रहने का योग्य है, उनके पवित्र लहू के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु के द्वारा में वापस मिल गया है। आज अभी हमारा पीछे उसका अनुग्रह, उसके भलाई हमारा जीवन भर हमारे साथ आएगा। यीशु हमारे अंदर है, अभी हम नई सृष्टि बन गया है, उनके सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसलिए आज उसको हम विश्वास करेंगे। आज पिता ने स्वर्गीय दूतों को हाथ नहीं बढ़ाया, इब्राहिम का संतान को हाथ बढ़ाया, उद्धार करता यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु आपने दिया हुआ
उद्धार के लिए धन्यवाद। इसको हम ध्यान देना है प्रभु, इससे भटकाने वाला सारे शैतान का कामों से प्रभु आपने छुड़ाया, हमारे लिए दिया हुआ इस उद्धार के ऊपर हम ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए आपका आनंद में हमें प्रवेश होने के लिए आपने बुलाया हमको। धन्यवाद करते प्रभु वचन के द्वारा के कब छुड़ाइए प्रभु, हृदय में एक तसली दीजिए प्रभु। आपका प्रेम का सामर्थ्य कितना महान है प्रभु, महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।